हेलो, गुड मॉर्निंग। मैं सुरेंद्र कुमार यादव अभिनव जेट क्लासेज में आपका स्वागत करता हूँ। इससे पिछले वीडियो में हमने देखा था फोटोसिंथेसिस के बारे में कि फोटोसिंथेसिस किस प्रकार की प्रोसेस है, किस क्या क्या होता है फोटोसिंथेसिस के बारे में, किसने प्लांट्स के बारे फोटोसिंथेसिस के बारे में बताया था, कौन सी लाइट्स के ऊपर फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है, सबसे ज़्यादा फोटोसिंथेसिस कौन सी लाइट में होता है, सबसे ज़्यादा एब्जर्वेशन कौन सी लाइट में होता है। आज बात करते हैं फोटोसिंथेसिस कहाँ पर होता है। ठीक है, एक ग्रीन प्लांट्स है। फोटोसिंथेसिस की स्टडी करने के लिए हमारे को ग्रीन प्लांट्स की ज़रूरत पड़ती है। ये ग्रीन प्लांट्स है, इस ग्रीन प्लांट्स की इस लीव्स को मैंने कट किया। कट करने के बाद में इसे माइक्रोस्कोप के अंदर, माइक्रोस्कोप में स्टडी की इसकी। तो माइक्रोस्कोप में स्टडी करने के बाद में पता चला कि सबसे ऊपर की लेयर एक क्यूक्टिकल की लेयर है। क्यूक्टिकल की लेयर के नीचे होता है एपिडर्मिस। तुम्हारा एपिडर्मिस 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 के नीचे होती है ग्रीन सेल्स। कुछ इस प्रकार की कोशिकाएं होती है जिनको ग्रीन सेल्स कहा जाता है। ग्रीन सेल्स होती है, ये होता है तुम्हारा क्यूक्टिकल, ये हो गया एपिडर्मिस और ये हो गई ग्रीन सेल। ग्रीन सेल, इस ग्रीन सेल्स को मैंने थोड़ा सा लार्ज किया और लार्ज करके देखा कि इस ग्रीन सेल्स के अंदर, सेंटर के अंदर था अपने पास में न्यूक्लियस। इस ग्रीन सेल्स के साइटोप्लाज्म में बहुत सारे कोशिकांग थे, जैसे राइबोसोम से गोल्जी का ईआर, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, बहुत सारे। इसमें एक था क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट ये हो गया न्यूक्लियस, यहां पर है क्लोरोप्लास्ट। अब क्लोरोप्लास्ट के बारे में बात करते हैं कि फोटोसिंथेसिस की जो प्रोसेस होती है वो क्लोरोप्लास्ट में होती है, और क्लोरोप्लास्ट में भी कहां पर होती है, क्या क्या फंक्शन होते हैं क्लोरोप्लास्ट के, क्या नहीं होते हैं। तो क्लोरोप्लास्ट के बारे में थोड़ा सा देखते हैं। ये मेरे पास में एक डबल मेम्ब्रेन सेल ऑर्गेनल्स होता है क्लोरोप्लास्ट, दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग होता है क्लोरोप्लास्ट, सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनल्स होता है, अर्ध स्वायत्त कोशिकांग होता है। यह है सेल्फ रेप्लिकेट सेल ऑर्गेनल्स होता है, इसमें स्वयं प्रतिकृतिकरण का गुण पाया जाता है। ठीक है, यह क्लोरोप्लास्ट की आउटर मेम्ब्रेन होती है, ये क्लोरोप्लास्ट की इनर मेम्ब्रेन है। इनर मेम्ब्रेन है, आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन। आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन के बीच में जो स्पेस होता है उसको बोल देते हैं पेरिप्लास्टिड स्पेस, पेरिप्लास्टिड अवकाश। क्लोरोप्लास्ट एक दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग होता है, यह एक अर्ध स्वायत्त कोशिकांग होता है, सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनल्स होता है, यह सेल्फ रेप्लिकेट सेल ऑर्गेनल्स, स्वयं प्रतिकृतिकरण पाई जाती है इसके अंदर। यह दोहरी झिल्ली युक्त होता है, यह आउटर मेम्ब्रेन है, ये इसकी इनर मेम्ब्रेन है। आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन के बीच में जो स्पेस पाया जाता है उसको पेरिप्लास्टिड स्पेस कहा जाता है। यह है क्लोरोप्लास्ट का एक तरल पदार्थ, लिक्विड पदार्थ पाया जाता है जिसको स्ट्रोमा बोला जाता है। इस स्ट्रोमा के अंदर कुछ इस प्रकार की संरचनाएं पाई जाती है जिनको आप ग्रेनम बोलते हो, ग्रेना बोलते हो। ग्रेना कहा जाता है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर
सिक्कों के समान स्टेक लाइक्ड कुछ थाइलेकोइड्स पाए जाती है जिनको बोला जाता है ग्रेना, और ये ग्रेना आपस में स्ट्रोमल लेमिली द्वारा जुड़े होते हैं, फैट चैनल जिनको बोलते हैं स्ट्रोमल लेमिल। ये हो गया तुम्हारा ग्रेनम, ग्रेनम हो गया। ये तुम्हारा जो तरल पदार्थ दिखाई दे रहा है इसको बोल देते हो आप स्ट्रोमा, स्ट्रोमा। क्लोरोप्लास्ट के अंदर फ्री राइबोसोम्स पाए जाते हैं, फ्री राइबोसोम्स 70S टाइप्स के राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं, 70S प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं। इस क्लोरोप्लास्ट के अंदर एक सर्कुलर डबल स्टैंडर्ड डीएनए पाया जाता है, सर्कुलर डबल स्टैंडर्ड डीएनए पाया जाता है, ठीक है। इस क्लोरोप्लास्ट के अंदर एक एंजाइम पाया जाता है, उसका नाम है रूबिस्को, रूबिस्को। यह एंजाइम पाया जाता है इसके स्ट्रोमा पार्ट्स में, कुछ 70S राइबोसोम्स पाए जाते हैं इसके स्ट्रोमा में, एक डबल स्टैंडर्ड डीएनए पाया जाता है, कुछ ग्रेनम पाए जाते हैं, बहुत सारे ग्रेना पाए जाते हैं इसके अंदर, और इस ग्रेनम के मेम्ब्रेन के ऊपर कुछ पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं, इन पिगमेंट्स को बोला जाता है क्वांटासोम, क्वांटासोम, क्वांटासोम। दैट्स क्लियर। ग्रीन प्लांट्स है, ग्रीन प्लांट्स के एक लीव्स की बात की, इस लीव्स को कट किया, कट करने के बाद में माइक्रोस्कोप के द्वारा स्टडी की, माइक्रोस्कोप के द्वारा स्टडी करने से पता चला कि सबसे ऊपर की जो लेयर होती है वो क्यूक्टिकल होती है, क्यूक्टिकल के जस्ट नीचे एपिडर्मिस होती है, आदिश्रम जिसको बोलते हो, आदिश्रम के नीचे कुछ ग्रीन सेल्स होती है। इन ग्रीन सेल्स को मैंने, एक ग्रीन सेल्स को लार्ज किया और लार्ज करके देखा कि इस ग्रीन सेल्स के अंदर सेंटर के अंदर न्यूक्लियस पाया जाता है, और इसके सराउंडिंग के जो साइटोप्लाज्म होता है कोशिका का, उस साइटोप्लाज्म में बहुत सारे सेल ऑर्गेनल्स होते हैं, उन सेल ऑर्गेनल्स में एक होता है क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट एक दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग होता है, डबल मेम्ब्रेन सेल बाउंड सेल ऑर्गेनल्स होता है, मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स होता है। यह एक सेमी ऑटोनोमस स्ट्रक्चर होती है, सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनल्स बोल सकते हो आप। यह सेल्फ रेप्लिकेट सेल ऑर्गेनल्स होता है, यानी इसमें स्व प्रतिकृतिकरण का गुण पाया जाता है। यह अर्ध स्वायत्त कोशिकांग होता है, दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग होता है। जब हमने क्लोरोप्लास्ट को देखा तो एक इसमें आउटर मेम्ब्रेन होती है, एक इनर मेम्ब्रेन होती है। आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन के बीच में जो स्पेस पाया जाता है उसको पेरिप्लास्टिड स्पेस कहा जाता है। क्लोरोप्लास्ट के अंदर कुछ तरल पदार्थ लिक्विड मटेरियल पाया जाता है, उसको बोल देते हो आप स्ट्रोमा, ठीक है। स्ट्रोमा में बहुत सारे कुछ स्टेक लाइक थाइल, स्टेक लाइक संरचनाएं पाई जाती है, स्ट्रक्चर पाई जाती है, जिनको बोल देते हो आप ग्रेनम। एक ग्रेना, ग्रेनम से ग्रेनम को जोड़ने वाली कुछ संरचनाएं पाई जाती है जिसको आप बोल देते हो स्ट्रोमा थाइले कॉइल्स, ठीक है। इसमें 70S राइबोसोम पाए जाते हैं, इसमें एक डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए पाया जाता है। स्ट्रोमा के अंदर एक एंजाइम पाया जाता है रूबिस्को एंजाइम, मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन्स ऑन अर्थ, रूबिस्को पृथ्वी पर सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाली प्रोटीन्स होती है वो है रूबिस्को। पादपों में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाली यदि प्रोटीन्स की बात करें वो भी रूबिस्को है, परंतु यदि एनिमल्स की बात करें, जंतुओं की बात करें, तो जंतुओं में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाली जो प्रोटीन्स होती है वो होती है कोलाजन, कोलाजन प्रोटीन्स जो जंतुओं के अंदर पाई जाती है। एनिमल्स में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली प्रोटीन्स होती है कोलाजन प्रोटीन, ठीक है।
इस ग्रेनम के ऊपर कुछ पिगमेंट्स वर्णक पाए जाते हैं जो लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं, लाइट को ऑब्जर्व, उनको बोलते हैं क्वांटासोम। ठीक है, आगे बात करते हैं। क्वांटासोम, यदि मैं इस ग्रेनम को देखूं, ये कंप्लीट है अपने पास में ग्रेनम, यह है ग्रेनम, ग्रेनम। यदि इस एक को देखना है अपने को, यह होती है इसकी थाइलेकोइड्स, थाइलेकोइड्स, यह है थाइलेकोइड्स। इस थाइलेकोइड्स की इनर जो लीफलेट होती है उसके अंदर कुछ पिगमेंट पाए जाते हैं। ये पिगमेंट्स क्या करते हैं, लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं, लाइट को एब्जॉर्ब करने वाले पिगमेंट्स पाए जाते हैं, और इन पिगमेंट्स को बोल देते हो आप क्या, क्वांटा, क्वांटासोम कहा जाता है। क्वांटासोम आगे देखेंगे, क्वांटासोम नाम दिया था दो वैज्ञानिक थे, पार्क्स एंड बिगिंस। क्वांटासोम नाम दिया पार्क एंड बिगिंस ने 1964 के अंदर। देखो ये पूरी ग्रेनम कहलाती है, यदि इस एक लुक को देखा जाए तो इसको बोलते हो आप थाइलेकोइड्स। थाइलेकोइड्स की इनर मेम्ब्रेन लिपलेट के ऊपर कुछ पिगमेंट्स पाए जाते हैं, कुछ वर्णक पाए जाते हैं। ये वर्णक जो सूर्य से जो लाइट आती है उसको एब्जॉर्ब करते हैं, और इन पिगमेंट को जो लाइट एब्जॉर्ब करने वाले पिगमेंट्स होते हैं उनको बोलते थे आप क्वांटासोम। क्वांटासोम नाम दिया था पार्क्स एंड बिगिंस ने। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट के बारे में अब बात करते हैं एक एक चीज की, आउटर मेम्ब्रेन का क्या रोल है, इनर मेम्ब्रेन का क्या रोल है, ये ग्रेनम में क्या करते हैं, स्ट्रोमा में क्या क्या पाया जाता है, रूबिस्को क्या काम करता है, इसके सब के बारे में एक एक चीज देखते हैं हम इक्वली। तो बात करते हैं सबसे पहले आउटर मेम्ब्रेन की, क्लोरोप्लास्ट की आउटर मेम्ब्रेन क्या होती है। आउटर मेम्ब्रेन के ऊपर, आउटर मेम्ब्रेन बाहरी झिल्ली, इस आउटर मेम्ब्रेन के ऊपर पोरिन प्रोटीन पाई जाती है, एक प्रोटीन होती है पोरिन प्रोटीन। ये पोरिन प्रोटीन लार्ज कॉम्प्लेक्स होते हैं, पोरिन प्रोटीन के लार्ज कॉम्प्लेक्स होते हैं, बड़े बड़े कॉम्प्लेक्स पाए जाते हैं, जहां पर यहां पर जो लार्ज मॉलिक्यूल्स होते हैं, लार्ज मॉलिक्यूल्स होते हैं उनका ट्रांसपोर्ट होता है, परिवहन होता है। तो आउटर मेम्ब्रेन के द्वारा जितने भी जो पदार्थ लार्ज मॉलिक्यूल्स होते हैं, लार्ज कॉम्प्लेक्स होते हैं, लार्ज मॉलिक्यूल्स का यहां से ट्रांसपोर्ट होता है। ठीक है, तो मैं क्लोरोप्लास्ट की आउटर मेम्ब्रेन को बोल सकता हूं कि आउटर मेम्ब्रेन ऑलमोस्ट परमिएबल, परमिएबल कि क्लोरोप्लास्ट की जो आउटर मेम्ब्रेन होती है वो पारगम्य होती है, क्योंकि यहां से अणुओं का परिवहन होता है, जो लार्ज मॉलिक्यूल्स होते हैं वो उनका क्या होता है, परिवहन होता है। तो जहां से परिवहन होता है तो आउटर मेम्ब्रेन यूकैरियोटिक नेचर की हो सकती है, आउटर मेम्ब्रेन यूकैरियोटिक नेचर की होती है। दूसरी बात, यहां पर कुछ प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं, प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं इसके ऊपर, इसके ऊपर लिपिड पाई जाती है, लिपिड्स पाई जाती है, और इसके ऊपर कैरोटीनोइड्स, 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 कैरोटीनोइड्स पिगमेंट्स पाए जाते हैं। आउटर मेम्ब्रेन पोरिन प्रोटीन पाई जाती है जो लार्ज कॉम्प्लेक्स होते हैं, लार्ज कॉम्प्लेक्स जो लार्ज मॉलिक्यूल्स के ट्रांसपोर्ट में मदद करती है, इसलिए क्लोरोप्लास्ट की आउटर मेम्ब्रेन एक परमिएबल पारगम में झिल्ली होती है। यह यूकैरियोटिक नेचर की होती है,
यहां पर प्रोटीन्स प्रेजेंट हो सकते हैं इसके ऊपर, इसके ऊपर कुछ लिपिड्स पाए जाते हैं, इसके ऊपर कैरोटीनॉइड्स पिगमेंट्स पाए जाते हैं। कैरोटीनॉइड्स पिगमेंट्स दो प्रकार के होते हैं, कैरोटीनॉइड्स पिगमेंट्स दो प्रकार के हो सकते हैं। एक होता है कैरोटीन और एक होता है जैंथोफिल। कैरोटीनॉइड्स पिगमेंट्स दो प्रकार के होते हैं, एक होता है कैरोटीन और एक होता है जैंथोफिल। कैरोटीन कार्बन तथा हाइड्रोजन प्रेजेंट होते हैं यहां पर कैरोटीन्स के अंदर, जबकि यहां पर ऑक्सीजन एब्सेंट होता है। पहली चीज, कैरोटीनॉइड्स पिगमेंट्स दो प्रकार के हुए, एक होता है कैरोटीन और दूसरा होता है जैंथोफिल। कैरोटीन कार्बन तथा हाइड्रोजन पाया जाता है, यहां पर ऑक्सीजन अनुपस्थित होता है, जबकि जैंथोफिल पिगमेंट्स के पास में कार्बन हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन, यानी यह जैंथोफिल ऑक्सीजन कंटेंट होता है, जैंथोफिल ऑक्सीजन। एग्जाम्पल देखिए, यह येलो ग्रीन कलर के होते हैं, येलो ग्रीन कलर के होते हैं, पीले हरे रंग के वर्णक होते हैं। फॉर एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं, वेवलो लोजेंथिन। अब देखो मेरी बात सुनो, कैरोटीन पिगमेंट्स, कैरोटीनॉइड्स पिगमेंट्स कैरोटीन तथा जैंथोफिल दो प्रकार के होते हैं। कैरोटीन हाइड्रोजन तथा कार्बन पाया जाता है, लेकिन यहां पर ऑक्सीजन अनुपस्थित होता है, जबकि जैंथोफिल के पास में हाइड्रोजन कार्बन तथा ऑक्सीजन दोनों प्रेजेंट होते हैं। यह जैंथोफिल ऑक्सीजन कंटेनिंग कंपाउंड्स होता है, यह येलो ग्रीन कलर का होता है। एग्जाम्पल देखिए, वेवलो जैंथिन। जैंथोफिल वर्णक क्या करते हैं, जैंथोफिल साइकिल चलाते हैं। जितने भी सूर्य से, सन से जो हाई इंटेंसिटी की लाइट आती है, बहुत तीव्र गति का जो प्रकाश आता है, उससे पादप की ये सुरक्षा करते हैं। यह वेवलोजेंथिन जैंथोफिल साइकिल चलाएगी, और जैंथोफिल साइकिल चला के जो हाई इंटेंसिटी की लाइट आती है, बहुत तीव्र गति का जो प्रकाश आता है, उससे पादप को बचाव करता है। यदि जैंथोफिल वर्णक नहीं रहेगा तो हाई इंटेंसिटी लाइट के कारण, तीव्र गति के प्रकाश के कारण पादप प्लांट्स डैमेज हो सकता है, फोटोसिंथेसिस में सेचुरेशन आ सकता है। फोटोसिंथेसिस प्लांट प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं कर सकते हैं, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं कर पाते हैं, इसलिए ये जैंथोफिल यहां पर एक उसका एग्जाम्पल है वेवलोजेंथिन। ये क्या करते हैं वेवलोजेंथिन, वेवलोजेंथिन ये होती है हाई इंटेंसिटी लाइट, होती है बहुत तीव्र गति, हाई इंटेंसिटी लाइट, बहुत तीव्र गति की लाइट होती है। वेवलोजेंथिन कन्वर्ट हो जाते हैं एंथेरो जेंथिन के अंदर, एंथेरोजेंथिन, एंथेरोजेंथिन कन्फर्मेशनल चेंज होता है, और यह कन्वर्ट होता है जिया जेंथिन के अंदर, जिया जेंथिन के अंदर। यहां पर वेवलोजेंथिन से जिया जेंथिन में कन्वर्ट करने के लिए एक एंजाइम होता है डी इपोक्सीडेज। यह एंजाइम प्रेजेंट होता है जो वेवलोजेंथिन को जिया जैंथिन में कन्वर्ट करते हैं, और यह होता है एक जैंथोफिल साइकिल। हाई इंटेंसिटी की लाइट से बचने के लिए प्लांट्स
जैनथोफिल साइकिल चलाते हैं, वेवलोजैंथिन को जिया जैंथिन के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं, जिससे प्लांट्स हाई इंटेंसिटी की तीव्र गति की जो लाइट आती है उससे बच सके। ठीक है, तो वेवलोजैंथिन जिया जैंथिन में कन्वर्ट हो गया। जैसे जैसे प्रकाश कम होता है, यह वेवलोजैंथिन वापस धीरे धीरे किस में वह कन्वर्ट हो जाता है, वेवलोजैंथिन में। यहां पर एक एंजाइम काम करता है इपोक्सीडेज, इपोक्सीडेज एंजाइम काम करता है। तो वेवलोजैंथिन को जिया जैंथिन में कन्वर्ट करने के लिए डीपोक्सीडेज, जबकि जिया जैंथिन को वेवलोजैंथिन में जो कन्वर्ट होता है तो वहां पर काम करता है इपोक्सीडेज नामक एंजाइम काम करता है। तो आउटर मेम्ब्रेन परमिएबल होती है, क्योंकि यहां पर लार्ज पोरिन प्रोटीन पाई जाती है, जो लार्ज कॉम्प्लेक्स होते हैं जहां से कुछ लार्ज मॉलिक्यूल्स का ट्रांसपोर्ट होता है, इसलिए ये परमिएबल होती है। यदि परमिएबल है तो ये यूकेरियोटिक नेचर की हो सकती है। इस आउटर मेम्ब्रेन के ऊपर, क्लोरोप्लास्ट की आउटर मेम्ब्रेन के ऊपर कुछ प्रोटीन्स पाए जाते हैं, कुछ लिपिड्स उपस्थित प्रेजेंट हो सकते हैं, और इसके ऊपर एक इम्पोर्टेंट पिगमेंट्स पाया जाता है, वह पिगमेंट्स होता है कैरोटीनॉइड्स। यह कैरोटीनॉइड्स दो प्रकार का होता है, एक होता है कैरोटीन और एक होता है जैंथोफिल। कैरोटीन में कार्बन तथा हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है, जबकि ऑक्सीजन यहां पर एब्सेंट होता है, जबकि जैंथोफिल में कार्बन हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन तीनों पाए जाते हैं। जैंथोफिल होता है येलो ग्रीन कलर का होता है, यह पीले हरे रंग का होता है, और इसका एग्जाम्पल है वेवलोजैंथिन। जिया जैंथोफिल क्या करते हैं, जैंथोफिल साइकिल चलाते हैं और सूर्य से जो हाई इंटेंसिटी की लाइट आती है उससे प्लांट्स को बचाते हैं, जो तीव्र गति का जो प्रकाश आता है उससे पादप की सुरक्षा करते हैं, और ये वेवलोजैंथिन फाइनली कन्वर्ट हो जाते हैं जिया जैंथिन के अंदर, और वहां पर एक एंजाइम काम करता है डी इपोक्सीडेज नामक एंजाइम काम करता है, जो वेवलोजैंथिन को जिया जैंथिन में कन्वर्ट करने में काम आता है, और ये जैंथोफिल साइकिल होता है। जैसे जैसे लाइट कम होगी, जिया जैंथिन धीरे धीरे वापस वेवलोजैंथिन के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, और यहाँ पर एक एंजाइम काम आएगा इपोक्सीडेज एंजाइम, जो जिया जैंथिन को वेवलोजैंथिन में कन्वर्ट करता है। दैट्स क्लियर। इनर मेम्ब्रेन आउटर मेम्ब्रेन के बारे में बात हुई इतनी, अब बात करते हैं इनर मेम्ब्रेन के बारे में हम। ठीक है, इनर मेम्ब्रेन क्या, इनर मेम्ब्रेन यह प्रोकैरियोटिक नेचर की होती है। इनर मेम्ब्रेन प्रोकैरियोटिक नेचर की होती है। यहां पर जो प्रोटीन का कंसंट्रेशन होता है वो हाई होता है, प्रोटीन कंसंट्रेशन हाई होता है। इनर मेम्ब्रेन के ऊपर क्लोरोप्लास्ट की, ये मेरे पास में इनर मेम्ब्रेन है, इनर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन प्रोकैरियोटिक नेचर की होती है। सबसे पहली बात कि क्लोरोप्लास्ट की इनर मेम्ब्रेन किस नेचर की होती है, किस प्रकृति की होती है, तो वह प्रोकैरियोटिक नेचर की होती है, पहली चीज। दूसरी बात, यहां पर जो प्रोटीन कंसंट्रेशन होता है, कंसंट्रेशन प्रोटीन की सांद्रता हाई होती है, यहां पर एटीपी सिंथेज एंजाइम प्रेजेंट होते हैं। क्लोरोप्लास्ट की इनर मेम्ब्रेन के ऊपर एटीपी सिंथेज एंजाइम प्रेजेंट होते हैं, इसलिए क्लोरोप्लास्ट की इनर मेम्ब्रेन एनर्जी ट्रांसड्यूसिंग मेम्ब्रेन होती है, इनर मेम्ब्रेन ऑफ क्लोरोप्लास्ट, इनर मेम्ब्रेन ऑफ क्लोरोप्लास्ट एनर्जी ट्रांसड्यूसिंग
मेम्ब्रेन, बिकॉज क्योंकि यहां पर क्या होता है, प्रेजेंट एटीपी सिंथेज एंजाइम प्रेजेंट होते हैं, एटीपी सिंथेज एंजाइम प्रेजेंट होते हैं जो एटीपी का निर्माण करते हैं। तो आउटर मेम्ब्रेन होती है यूकेरियोटिक नेचर की, जबकि इनर मेम्ब्रेन होती है प्रोकैरियोटिक नेचर की। आउटर मेम्ब्रेन के ऊपर प्रोटीन्स पाए जाते हैं, लेकिन इनर मेम्ब्रेन के ऊपर प्रोटीन जो कॉन्सेंट्रेशन होता है आउटर मेम्ब्रेन से ज्यादा पाए जाते हैं। यहां पर एटीपी सिंथेज एंजाइम पाए जाते हैं, जबकि आउटर मेम्ब्रेन के ऊपर कुछ वर्णक पाए जा रहे थे जो हाई इंटेंसिटी की लाइट से प्लांट्स को बचा रहे थे। यहां पर इनर मेम्ब्रेन के ऊपर जो एंजाइम पाए जाते हैं वो एटीपी का सिंथेसिस करते हैं, एटीपी बनाते हैं कि आगे चल के प्लांट्स किस प्रकार से ग्लूकोज का फॉर्मेशन करे, कार्बोहाइड्रेट्स का निर्माण कर सके। तो इनर मेम्ब्रेन के बारे में बात हुई। अब आती है क्लोरोप्लास्ट के आउटर मेम्ब्रेन की स्टडी की, किस प्रकार का नेचर होता है आउटर मेम्ब्रेन का, किस प्रकार की होती है, क्या क्या काम करती है आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन क्या क्या का रोल होता है, किस प्रकार का नेचर होता है, किस काम में आती है इनर मेम्ब्रेन, उसके बारे में बात की। इनर मेम्ब्रेन से जस्ट हम स्ट्रोमा पार्ट में घुस जाते हैं। स्ट्रोमा पार्ट्स के अंदर क्या क्या प्रेजेंट हो सकता है, वाटर पाया जाता है स्ट्रोमा के अंदर, स्ट्रोमा के अंदर एमाइनो एसिड्स हो सकते हैं क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा में। स्ट्रोमा की बात कर लेते हैं, स्ट्रोमा क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा के अंदर वाटर पाया जाता है H2O। इसके अंदर कुछ एंजाइम प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा के अंदर एमाइनो एसिड्स पाए जा सकते हैं, एमाइनो एसिड पाए जाते हैं। क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा में कुछ कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट हो सकती है, ठीक है। तो स्ट्रोमा में वाटर होता है, एंजाइम होते हैं, एमाइनो एसिड्स होता है और कार्बोहाइड्रेट होता है। एक मोस्ट अबंडेंट एंजाइम होता है रूबिस्को, मोस्ट अबंडेंट एंजाइम या मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन्स ऑफ अर्थ, पृथ्वी पर सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली प्रोटीन, एक मोस्ट इंपोर्टेंट एंजाइम पाया जाता है क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा में और उसका नाम है रूबिस्को, रूबिस्को एंजाइम। बात करते हैं रूबिस्को, फुल फॉर्म बता देता हूं रूबिस्को, राइबुलोज 1,5 बिस्फोस्पेट कार्बोक्सी लेज ऑक्सी ऑक्सीजिनेज, यानी रूबिस्को के बाद में कार्बोक्सीलेशन एक्टिविटी भी होती है और ऑक्सीजिनेज एक्टिविटी भी होती है रूबिस्को के पास में। पृथ्वी पर सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला एंजाइम या प्रोटीन्स होती है, तो मोर अबंडेंट प्रोटीन ऑन अर्थ पृथ्वी पर सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाली प्रोटीन, वो प्रोटीन होती है रूबिस्को, राइबुलोज 1,5 बिस्फोस्पेट कार्बोक्सिलेज, ठीक है। यदि बात करें मोर अबंडेंट प्रोटीन इन प्लांट पादपों में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाली प्रोटीन वो भी होती है रूबिस्को। तो रूबिस्को
क्लोरोप्लास्ट का महत्वपूर्ण एंजाइम होता है रूबिस को राइबुलोज 1,5 बिस्फोस्पेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजिनेज। इसके पास में दो प्रकार की एक्टिविटी होती है, एक होता है कार्बोक्सिलेशन और एक होता है ऑक्सीजिनेशन। यदि CO2 की कंसंट्रेशन ज़्यादा रहेगी तो रूबिस को कार्बोक्सिलेशन करेगा, यदि ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन ज़्यादा रहेगी और CO2 की कंसंट्रेशन कम रहेगी तो रूबिस को ऑक्सीजिनेज एक्टिविटी करेगा। रूबिस को पृथ्वी पर पाए जाने वाली सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाली प्रोटीन्स होती है। पादपों में बात करें तो पादपों में भी सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाली प्रोटीन रूबिस को होती है। यदि एनिमल्स की बात करें, एनिमल्स की बात करते हैं, एनिमल्स में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाली प्रोटीन्स होती है कोलाजन। तो मोर अबंडेंट प्रोटीन इन एनिमल, मोर अबंडेंट प्रोटीन इन एनिमल तो वो होती है कोलाजन, कोलाजन प्रोटीन। रूबिस को पादपों में पाई जाती है, कोलाजन जंतुओं के अंदर पाई जाती है। रूबिसको के पास में कार्बोक्सिलेशन एक्टिविटी होती है, ऑक्सीजिनेज एक्टिविटी होती है, ठीक है। जब CO2 की कंसंट्रेशन ज्यादा रहेगी तो कार्बोक्सिलेशन करेगा, जब ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन ज्यादा रहेगी तो यह ऑक्सीजिनेज एक्टिविटी करेगा। तो रूबिस को दो प्रकार की एक्टिविटी शो कर सकता है, एक होता है कार्बोक्सीलेशन, एक होता है ऑक्सीजिनेज। यदि एडिशन ऑफ CO2, यदि CO2 की कंसंट्रेशन, CO2 को ऐड ज्यादा करेंगे तो यह है कार्बोक्सिलेशन एक्टिविटी शो करेगा, और यदि एडिशन ऑफ O2, यदि ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन ज्यादा रहेगी तो रूबिस को ऑक्सीजिनेज एक्टिविटी शो करता है। दैट्स क्लियर। अब देखो रूबिस को इतना हो जाने के बाद में इसको मैं एक बार मिटा रहा हूं। रूबिस को एक मल्टीपल सब यूनिट प्रोटीन होती है, रूबिस को यह 16 सब यूनिट की बनी होती है, 16 सब यूनिट से बनी होती है। इसमें 8 सब यूनिट होती है स्मॉल सब यूनिट होती है, 8 सब यूनिट स्मॉल होती है और 8 लार्ज सब यूनिट होती है, 8 लार्ज सब यूनिट होती है। जो स्मॉल सब यूनिट होती है वो न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होती है, जबकि जो लार्ज सब यूनिट होती है वो क्लोरोप्लास्ट में पाई जाती है। ध्यान देना, रूबिस को मल्टीपल सब यूनिट प्रोटीन होती है यहां, यानी कि बहुत सारी उप इकाइयों से मिलकर बना होता है, लगभग 16 उप इकाइयों से मिलकर बना होता है। इसमें 8 उप इकाइयां छोटी होती है और 8 उप इकाइयां बड़ी होती है। जो छोटी उप इकाइयां होती है वो न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होती है और जो बड़ी उप इकाई होती है वो क्लोरोप्लास्ट के अंदर पाई जाती है। न्यूक्लियस के अंदर पाए जाने वाली जो होती है वो रेगुलेटरी सब यूनिट होती है,
रेगुलेटरी सब यूनिट होती है, जबकि जो क्लोरोप्लास्ट में पाई जाती है वो कैटालाइटिक सब यूनिट होती है, कैटालिटिक सब यूनिट होती है। बात क्लियर? मल्टीपल सब यूनिट, लार्ज सब यूनिट क्लोरोप्लास्ट में, स्मॉल सब यूनिट न्यूक्लियस में। रेगुलेटरी सब यूनिट कहाँ पर प्रेजेंट होती है? न्यूक्लियस में। रेगुलेटरी सब यूनिट कैसी होती है? स्मॉल सब यूनिट होती है, जबकि कैटालिटिक सब यूनिट लार्ज सब यूनिट होती है जो क्लोरोप्लास्ट के अंदर पाई जाती है। क्लियर? अब देखो रूबिस्को के एक्टिवेशन के लिए, यदि रूबिस्को को एक्टिव करना है अपने को, रूबिस्को को प्रोसेस में लाना है, तो इसके एक्टिवेशन के लिए ऑप्टिमम पीएच 8 होना चाहिए। रूबिस्को के एक्टिवेशन के लिए हमारे को लाइट की जरूरत पड़ती है, तभी रूबिस्को काम करेगा। एक बार एक्टिव हो जाएगा तो उसके बाद में फिर लाइट की जरूरत नहीं होती। इसके एक्टिवेशन के लिए लाइट जरूरी है। इसके एक्टिवेशन के लिए ऑप्टिमम पीएच होना चाहिए 8। तो रूबिस्को मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन ऑन अर्थ, प्लांट्स में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाली प्रोटीन्स होती है ये, ठीक है। यह 16 सब यूनिट से मिलकर बनी होती है। इसके बाद में इसके पास में 8 सब यूनिट होती है स्मॉल, 8 सब यूनिट होती है लार्ज। जो स्मॉल सब यूनिट होती है वो केंद्रक में पाए जाते हैं, न्यूक्लियस में पाए जाते हैं, और जो स्मॉल सब यूनिट होती है वो जो लार्ज सब यूनिट होती है वो क्लोरोप्लास्ट के अंदर पाई जाती है। स्मॉल सब यूनिट रेगुलेटरी सब यूनिट होती है, जबकि लार्ज सब यूनिट कैटालिटिक सब यूनिट होती है। रूबिस्को के एक्टिवेशन के लिए ऑप्टिमम पीएच 8 होता है, और रूबिस्को को एक्टिव करने के लिए हमारे को प्रकाश की आवश्यकता पड़ती है। रूबिस्को एंजाइम के पास में 2 प्रकार की एक्टिविटी होती है, एक कार्बोक्सिलेशन और एक ऑक्सीजनेज। जब CO2 की कंसेंट्रेशन ज्यादा रहेगी तो रूबिस्को कार्बोक्सिलेशन क्रिया करेगा, और जब CO2 की कंसेंट्रेशन कम रहेगी और ऑक्सीजन की कंसेंट्रेशन ज्यादा रहेगी तो रूबिस्को ऑक्सीजनेज एक्टिविटी करेगा। तो यह है स्ट्रोमा पार्ट हुआ क्लोरोप्लास्ट का। स्ट्रोमा के अंदर कुछ एंजाइम पाए जाते हैं, वहाँ पर वाटर प्रेजेंट होता है, वहाँ पर कुछ एमाइनो एसिड्स प्रेजेंट होते हैं, वहाँ पर कुछ कार्बोहाइड्रेट्स पाए जाते हैं। तो इसमें एक मोस्ट अबंडेंट एंजाइम की बात की हमने रूबिस्को। इसके बाद में स्ट्रोमा के बाद में आता है तुम्हारा ग्रेनम या थाइलेकोइड्स। ग्रेनम या थाइलेकोइड्स की बात कर लेते हैं। ग्रेनम या थाइलेकोइड्स, ग्रेनम या थाइलेकोइड्स, देखो इधर ये मेरे एक ग्रेनम है, इसको कंप्लीट में बोलूंगा ग्रेनम। ग्रेनम यदि मेरे पास में बहुत सारे ग्रेनम प्रेजेंट है क्लोरोप्लास्ट के अंदर, बहुत सारे ग्रेनम है क्लोरोप्लास्ट के अंदर, तो मैं उनको बोलूंगा ग्रेना, ग्रेना बोल सकता हूं ग्रेना। तो ग्रेनम होता है सिंगुलर, और बहुत सारे जो क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो ग्रेनम पाए जाते हैं उनको बोला जाता है ग्रेना। यदि इस ग्रेनम के इस एक स्टेक को देखूं मैं, क्योंकि यह है एक के ऊपर एक व्यवस्थित होते हैं ग्रेना। आप बताओगे मेरे को कि जो ग्रेना बनते हैं थाइलेकोइड्स होता है वो कैसे होता है। देखो ये क्लोरोप्लास्ट था मेरे पास में, क्लोरोप्लास्ट की इनर मेम्ब्रेन इनफोल्डिंग होती है, इनर मेम्ब्रेन की इस प्रकार इनफोल्डिंग होती है क्लोरोप्लास्ट के इनर मेम्ब्रेन की।
इनफोल्डिंग करने के लिए एक प्रोटीन से काम करती है, VIPP फर्स्ट वेसिकल इंड्यूसिंग प्रोटीन इन प्लास्टिड फर्स्ट। यह इस फोल्डिंग कराने में मदद करती है, इसको पिंच करती है। पिंच करने के बाद में यह थाइलेकोइड्स इस प्रकार बिखरे हुए होते हैं स्ट्रोमा के अंदर, इस प्रकार बिखरे हुए होते हैं। फिर क्या करते हैं, यह एक के ऊपर एक स्टेग्ड सिक्कों के समान ढेरी में व्यवस्थित हो जाते हैं और उसको बोल देते हैं हम क्या, ग्रेनम। इस प्रकार व्यवस्थित हो जाते हैं, सिक्कों की ढेरी के समान व्यवस्थित हो जाते हैं, इसको बोल देते हैं हम ग्रेनम। और इसकी एक इकाई को बोलते हो आप थाइलेकोइड कहा जाता है। इस थाइलेकोइड्स के ऊपर, इस ग्रेनम के ऊपर हमारे पास में कुछ पिगमेंट्स पाए जाते हैं, पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं बहुत सारे। यहां पर इस इनर मेम्ब्रेन के ऊपर कुछ पिगमेंट्स पाए जाते हैं। मैं इसको उस तरफ ड्रॉप करता हूं, यहां पर ये थाइलेकोइड्स है अपने पास में, थाइलेकोइड्स का ये लूमेन है। थाइलेकोइड्स के इनर मेम्ब्रेन के ऊपर कुछ पिगमेंट्स पाए जाते हैं। ये पिगमेंट्स क्या करते हैं, लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं, अवशोषित करते हैं। अवशोषित करने वाले ये पिगमेंट्स होते हैं तुम्हारे को क्वांटासोम होते हैं। क्वांटासोम नाम दिया था पार्क एंड बिगिंस ने 1964 में। थाइलेकोइड्स की इनर लिपलेट के ऊपर कुछ पिगमेंट्स पाए जाते हैं। ये पिगमेंट्स क्या करते हैं, जो प्रकाश आता है सूर्य से, जो लाइट आती है उसको एब्जॉर्ब करते हैं। जो एब्जॉर्ब करने वाले पिगमेंट्स होते हैं उनको बोल देते हैं क्वांटासोम। क्वांटासोम नाम दिया था पार्क व बिगिंस ने। एक क्लोरोप्लास्ट में लगभग 230 से 400, कुछ बुक्स में 230 से 280 दे रखे हैं, 250 से 200-300 भी मिलेंगे आपको, लेकिन लगभग 230 से लेके 400 क्वांटासोम पाए जाते हैं 230 से 400 क्वांटासोम इस प्रकार के हो सकते हैं ये क्वांटासोम। यहां पर कुछ बीटा कैरोटीन्स हो सकते हैं, यहां पर क्लोरोफिल बी होता है और यहां पर होता है क्लोरोफिल ए। जो सबसे बाहर होता है वो होता है बीटा कैरोटीन, यहां पर होता है क्लोरोफिल बी होता है, ये होता है क्लोरोफिल ए। ठीक है, तो बीटा कैरोटीन पाए जाते हैं लगभग 15, जो क्लोरोफिल बी होता है वो 70 के लगभग होता है और जो कैरोटीन होते हैं वो लगभग 150 के लगभग होते हैं। तो एक क्वांटासोम के अंदर लगभग 230 से लेके 400 क्वांटासोम, एक क्लोरोप्लास्ट में 230 से लेके 400 क्वांटासोम पाए जा सकते हैं, जिसमें बीटा कैरोटीन 50 भी हो सकता है, 16 के लगभग भी हो सकता है, क्लोरोफिल 70 होता है, क्लोरोफिल ए 150 से लेके 160 या 70 तक हो सकते हैं। तो ये हो गई क्वांटासोम के बारे में बात क्लियर है। क्लोरोफिल
ए एंड कैरोटिन, ये होते हैं क्लोरोप्लास्ट के यूनिवर्सल पिगमेंट होते हैं। क्लोरोफिल ए एंड बी सॉरी कैरोटिन, ये है यूनिवर्सल पिगमेंट्स होते हैं जो ऑल ग्रीन प्लांट्स में पाए जाते हैं, ग्रीन प्लांट्स में प्रेजेंट होते हैं। दूसरी बात, क्लोरोफिल सी एंड डी, यह प्रेजेंट होता है प्रोटिस्टा एंड फंजाई के अंदर। क्लोरोफिल ए तथा कैरोटिन्स यूनिवर्सल पिगमेंट्स होते हैं जो ऑल ग्रीन प्लांट्स में मिल सकते हैं आपको। क्लोरोफिल सी एंड डी प्रोटिस्टा एंड फंजाई में प्रेजेंट होते हैं। थायलेकोइड्स की इनर मेम्ब्रेन के ऊपर कुछ पिगमेंट्स पाए जाते हैं जो लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं, उनको क्वांटासोम बोलते हैं। क्वांटासोम नाम दिया था पार्क्स तथा बिगिंस ने 1964 के अंदर। एक क्लोरोप्लास्ट में लगभग 230 से लेके 400 क्वांटासोम या पिगमेंट्स पाए जाते हैं। जो क्लोरोफिल ए तथा कैरोटिन्स होते हैं वो यूनिवर्सल पिगमेंट्स, कैरोटिन एसेसरी पिगमेंट्स भी होता है, सहायक वर्णक भी होता है, जो ऑल ग्रीन प्लांट्स में पाया जाता है। जबकि क्लोरोफिल सी तथा डी, यह पाया जाता है प्रोटिस्टा तथा फंजाई के अंदर। बात हुई हमारे क्लोरोप्लास्ट के आउटर मेम्ब्रेन के बारे में कि आउटर मेम्ब्रेन किस नेचर की होती है, क्या काम करती है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के दौरान। फिर बात की हमने इनर मेम्ब्रेन के ऊपर, इनर मेम्ब्रेन के ऊपर कुछ एटीपी सिंथेटेज एंजाइम एंजाइम पाए जाते हैं जो एटीपी का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। इसलिए इन क्लोरोप्लास्ट की जो इनर मेम्ब्रेन होती है एनर्जी ट्रांसड्यूसिंग मेम्ब्रेन होती है, बिकॉज क्योंकि इसके ऊपर एटीपी सिंथेज एंजाइम पाए जाते हैं। फिर बात की हमने स्ट्रोमा पार्ट्स की, क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा की, कि स्ट्रोमा में क्या क्या पाए जाते हैं, कौन सा एंजाइम पाया जाता है। फिर बात की अपन ने ग्रेनम या थायलेकोइड्स की, तो ग्रेनम या थायलेकोइड्स तुम्हारे पास में यहाँ पर क्वांटासोम पाए जाते हैं, कुछ थायलेकोइड्स कुछ ग्रेना पाए जाते हैं, कुछ ग्रेनम पाए जाते हैं। ग्रेनम क्या होता है, ग्रेना क्या होता है, थायलेकोइड्स क्या होता है, क्वांटासोम क्या होता है, उसके बारे में बात की। कुछ क्लोरोफिल पिगमेंट्स पाए जाते हैं, जो कौन कौन से क्लोरोफिल्स पाए जाते हैं, क्या क्या काम करते हैं, उनके बारे में बात की। अब बात करते हैं कि क्वांटासोम तो हो गया, लेकिन थायलेकोइड्स पार्क वे बिगिंस ने यह बताया कि जो थायलेकोइड्स की इनर मेम्ब्रेन के ऊपर जो पिगमेंट पाए जाते हैं उनको क्वांटासोम कहते हैं। लेकिन इमर्सन तथा आर्नोल्ड दो वैज्ञानिक थे, उन्होंने बताया कि ये क्वांटासोम नहीं होते हैं, ये पिगमेंट सिस्टम फर्स्ट तथा पिगमेंट सिस्टम सेकंड, दो प्रकार के वर्णक पाए जाते हैं। तो बात करते हैं इमर्सन इफेक्ट की। हम इमर्सन ने क्या क्या बताया था, क्या क्या नहीं बताया, इमर्सन के बारे में बात करते हैं। थायलेकोइड्स की इनर मेम्ब्रेन के ऊपर जो पिगमेंट्स पाए जा रहे थे उनको बोल दिया था अपन ने क्वांटासोम। ये नाम बताया था, दो वैज्ञानिक थे पार्क्स एंड बिगिंस। लेकिन कि इमर्सन ने यह बोला कि ये क्वांटासोम नहीं होते हैं भाई, ये होते हैं। इमर्सन ने बताया, इमर्सन तथा आर्नोल्ड दो वैज्ञानिक थे, उन्होंने बताया कि ये हैं क्वांटासोम नहीं होते हैं, ये हैं पिगमेंट सिस्टम फर्स्ट तथा पिगमेंट सिस्टम सेकंड होता है। वर्णक तंत्र फर्स्ट तथा वर्णक तंत्र सेकंड होता है। इसलिए
कंसेप्ट ऑफ टू पिगमेंट सिस्टम, पिगमेंट सिस्टम, दो वर्णक तंत्रों की अवधारणा की बात करें, दो वर्णक तंत्रों की अवधारणा किसने दी? इमर्सन ने, इमर्सन तथा आर्नोल्ड, आर्नोल्ड इन्होंने टू कंपोनेंट कंसेप्ट ऑफ टू पिगमेंट सिस्टम बताया। इन्होंने क्या किया, एक शैवाल लिया, क्लोरेला नामक शैवाल, क्लोरेला नामक शैवाल के ऊपर इन्होंने एक प्रयोग किया, एक्सपेरिमेंट किया, और उस एक्सपेरिमेंट में अलग अलग प्रकार की लाइट दी। अलग अलग प्रकार की लाइट देने के बाद में क्या उनको एक्सपेरिमेंट, क्या उनको मिला, रेस्पॉन्स क्या मिला, उसके बारे में बात करते हैं। रिजल्ट क्या था उसका, उसके बारे में बात करते हैं। तो जो यूज किया था क्लोरेला शैवाल था, क्लोरेला नामक शैवाल के ऊपर उन्होंने, इमर्सन ने प्रकाश संश्लेषण की जो तरंग दे रही है, इमर्सन प्रभाव था, उसको देखा और बताया कि यदि किसी फोटोसिंथेटिक प्लांट्स को यदि डायरेक्ट हम रेड लाइट देते हैं तो प्लांट्स फोटोसिंथेसिस नहीं करते हैं, और यदि फोटोसिंथेसिस नहीं करेंगे तो उनकी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में गिरावट होगी। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में गिरावट होगी तो उसकी क्वांटम लब्धि, क्वांटम इल्ड के अंदर भी क्या आएगी, गिरावट आएगी। तो उन्होंने सबसे पहले फर्स्ट एक्सपेरिमेंट किया, इसको मिटाता हूं मैं, फर्स्ट एक्सपेरिमेंट किया उन्होंने इमर्सन ने। तो इमर्सन का फर्स्ट एक्सपेरिमेंट, इमर्सन फर्स्ट एक्सपेरिमेंट, एक्सपेरिमेंट इन्होंने किसी प्लांट्स को, एक प्लांट्स था उसको डायरेक्ट रेड लाइट दे दी, रेड लाइट दी। रेड लाइट देने के बाद में उन्होंने देखा कि यह प्लांट्स क्या फोटोसिंथेसिस नहीं करा। यदि फोटोसिंथेसिस नहीं करा तो उसको बोल दिया रेड ड्रॉप, रेड ड्रॉप। तो इमर्सन ने, जैसे तुम्हारे परिभाषा दे रखी है कि इमर्सन ने 780 नैनोमीटर से अधिक का तरंग दैर्ध्य दिया जिससे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में गिरावट, प्रकाश संश्लेषण की दर में गिरावट आई, और प्रकाश संश्लेषण की दर में गिरावट आई तो उसकी क्वांटम जो यील्ड थी, क्वांटम लब्धि, उसमें भी कमी आ गई। ये मेरे पास में कोई यह है, मैंने डायरेक्ट इसको लाइट दे दी, डायरेक्ट लाइट दी है, रेड लाइट दी है, और यहां पर फोटोसिंथेसिस, जो रेड लाइट के बाद वाला रीजन, सात प्रकार की लाइट थी, सात प्रकार की लाइट थी अपने पास में। तो रेड लाइट के बाद वाले एरिया के अंदर फोटोसिंथेसिस नहीं हुआ तो इसको क्या बोल दिया अपन ने, रेड ड्रॉप कह दिया। फिर इमर्सन ने सेकेंड एक्सपेरिमेंट किया कि यदि रेड ड्रॉप हुआ तो इस रेड ड्रॉप की कमी को कैसे दूर किया जा सकता है। तो इसने क्या किया, एक प्लांट्स लिया, प्लांट्स में जो क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है उसको अलग अलग कंडीशन के अंदर, अलग अलग क्लोरोप्लास्ट को अलग अलग प्रकार की लाइट दी गई। तो उन्होंने देखा, सबसे पहले सेकेंड एक्सपेरिमेंट में उन्होंने बताया कि एक प्लांट लिया, प्लांट्स लेके उसके क्लोरोप्लास्ट, इस प्लांट्स में क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट था, उस क्लोरोप्लास्ट के अंदर
रेड लाइट दी। सेकंड एक्सपेरिमेंट की बात कर रहा हूं मैं, इमर्सन के सेकंड एक्सपेरिमेंट की। तो फर्स्ट कंडीशन में क्या था, क्लोरोप्लास्ट लिया, क्लोरोप्लास्ट को उन्होंने डायरेक्ट क्या दे दी, रेड लाइट। तो रेड लाइट देने से उनको 70% क्या हुआ, प्रोडक्शन हुआ, प्रोडक्शन हुआ। तो यहां पर पीएस सेकंड नॉर्मली काम किया, 780 नैनोमीटर की रेड लाइट दी तो पीएस सेकंड नॉर्मल काम किया। सेकंड कंडीशन में क्या किया उन्होंने, क्लोरोप्लास्ट लिया और उस क्लोरोप्लास्ट को फार रेड लाइट 780 नैनोमीटर, लगभग 700 नैनोमीटर की लाइट, फार रेड लाइट दी तो 20% क्या हुआ, प्रोडक्शन हुआ उनको, प्रोडक्शन हुआ। तो यहां पर पीएस फर्स्ट शायद नॉर्मली फंक्शन किया हो, ठीक है। तो इन दोनों को मिलाकर, सॉरी यहां पर 50% प्रोडक्शन मान लेना, तो इन दोनों को मिला के लगभग 70% क्या हुआ उनको, प्रोडक्शन हुआ। तीसरी कंडीशन में क्या किया उन्होंने, एक बार क्लोरोप्लास्ट लिया उसको रेड लाइट दी, रेड लाइट देने पर उनको 50% प्रकाश संश्लेषण फोटोसिंथेसिस में प्रोडक्शन हुआ। तो उन्होंने देखा कि यहां पर पीएस सेकंड पिगमेंट सिस्टम सेकंड काम किया, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट, फिर उन्होंने दूसरा क्लोरोप्लास्ट लिया और उसको दिया फार रेड लाइट, वहां पर 20% प्रोडक्शन हुआ और उन्होंने देखा कि पीएस फर्स्ट यहां पर नॉर्मली फंक्शन था। दोनों को मिलाकर उनको 70% प्रोडक्शन हुआ, ठीक है। तीसरी कंडीशन में क्या किया उन्होंने, क्लोरोप्लास्ट लिया, उस क्लोरोप्लास्ट को रेड लाइट प्लस फार रेड लाइट दोनों को मिश्रित करके दे दिया, रेड लाइट तथा फार रेड लाइट दोनों को एक साथ दिया तो 100% प्रोडक्शन हुआ, 100% प्रोडक्शन हुआ। तो मैं अब ये बता सकता हूं कि कंडीशन जो फर्स्ट थी मेरे पास में, उसके अंदर पीएस सेकंड थोड़ा सा मिटा देता हूं मैं एक बार इसको यहां से, कंडीशन फर्स्ट में क्या देखा उन्होंने, ये कंडीशन फर्स्ट थी उनके पास में। तो उन्होंने देखा कि जब रेड लाइट दी प्लांट्स को रेड लाइट दी तो पीएस सेकंड तो क्या किया, नॉर्मली फंक्शन किया, नॉर्मल फंक्शन किया, और पीएस फर्स्ट स्लोली फंक्शन किया। कंडीशन फर्स्ट में जब हम रेड लाइट दिए थे तब पीएस सेकंड तो क्या किया, नॉर्मल फंक्शन किया, जबकि पीएस फर्स्ट स्लोली फंक्शन किया। सेकंड कंडीशन में क्या किया उन्होंने, कंडीशन सेकंड है, उन्होंने क्या दी, फार रेड लाइट दी, फार रेड लाइट दी तो पीएस सेकंड तो नॉन फंक्शनल हो गया। पीएस सेकंड तो 180 नैनोमीटर से कम की जो तरंग दैर्ध्य होती है वहां पर काम करता है, और पीएस फर्स्ट क्या किया, नॉर्मली काम किया, नॉर्मली फंक्शन किया। थर्ड कंडीशन में देखा था अपन ने कि कंडीशन थर्ड थी अपने पास में, उन्होंने क्या किया, रेड लाइट प्लस फार रेड लाइट, रेड लाइट प्लस फार रेड लाइट दोनों को एक साथ दिया तो यहां पर पीएस फर्स्ट और पीएस सेकंड, पीएस फर्स्ट और पीएस सेकंड दोनों नॉर्मल फंक्शन किया,
तो यही क्या था, इमर्सन का प्रभाव था, इमर्सन इफेक्ट था। तो ये था इमर्सन का इफेक्ट अपने पास में। उन्होंने तीन कंडीशन में अलग अलग लाइटें दी, अलग अलग प्रकार के प्रोडक्शन देखे और कौन सा पिगमेंट सिस्टम कौन सी कंडीशन में काम कर रहा है वो देखा। उन्होंने फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में क्या किया था, क्लोरेला सेवाल ले लिया, क्लोरेला सेवाल लेके उनको डायरेक्ट रेड लाइट दे दी, रेड लाइट देने के बाद में उनको फोटोसिंथेसिस नहीं हुआ। तो जब 680 नैनोमीटर से अधिक का तरंग दैर्ध्य दिया तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में गिरावट आई। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में गिरावट के साथ साथ उसको जो क्वांटम यील्ड थी, क्वांटम लब्धि जिसको बोलते हो आप, उसके अंदर भी गिरावट आई। तो अब इमर्सन ने देखा कि यह है प्रकाश संश्लेषण की गिरावट या क्वांटम यील्ड की में जो गिरावट आई है उसको कैसे वापस इंक्रीज किया जाए। तो सेकेंड एक्सपेरिमेंट किया, एक प्लांट्स लिया, उसके क्लोरोप्लास्ट को कंडीशन फर्स्ट के अंदर रेड लाइट दी, रेड लाइट देने के बाद में उनको 50% प्रोडक्शन हुआ, 50% प्रोडक्शन हुआ। तो यहां पर पीएस सेकंड काम किया, ठीक है। दूसरी कंडीशन में उन्होंने फार रेड लाइट दी और 20% प्रोडक्शन हुआ, तो यहां पर पीएस फर्स्ट काम किया। दोनों को मिला के लगभग 70% प्रोडक्शन हुआ, ठीक है। फिर तीसरी कंडीशन में क्या किया, रेड लाइट तथा फार रेड लाइट दोनों को मिश्रित करके दे दिया, तो उनको क्या हुआ, 100% प्रोडक्शन हुआ। तो कंडीशन फर्स्ट में ओनली पीएस सेकंड काम कर रहा था, पीएस फर्स्ट काम तो कर रहा था लेकिन बहुत ही धीरे। कंडीशन नंबर टू में पीएस फर्स्ट काम किया लेकिन पीएस सेकंड तो बिल्कुल बंद हो गया, स्टॉप हो गया। पीएस थर्ड कंडीशन में रेड लाइट दी और फार रेड लाइट दी, दोनों को एक साथ दिया, तो दोनों नॉर्मल तरीके से क्या किए, फंक्शन किए, और यही क्या था, इमर्सन का इफेक्ट था। आगे हम कल बात करेंगे, अगले वीडियो में बात करेंगे कि फोटोसिंथेसिस में किस प्रकार का, कितने प्रकार की रिएक्शंस होती है, क्या क्या होती है, लाइट रिएक्शन कहाँ चलती है, डार्क रिएक्शन कहाँ चलती है। लाइट रिएक्शन ग्रेना या थाइलेकोइड्स में संपन्न होती है, डार्क रिएक्शन अप्रकाशिका अभिक्रिया क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा पार्ट्स में होती है। लाइट रिएक्शन में नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोलीकरण और साइक्लिक फोटोफॉस्फोलीकरण, जबकि डार्क में C3, C2, C4 एंड कैम प्लांट से। अगले वीडियो में आपको यदि ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक तथा कमेंट्स करिए और इसको शेयर कीजिए। थैंक्स अ लॉट।